బీజేపీ ఎన్నికల మానిఫెస్టో తర్వాత ఏఎన్ఐకి మోదీ ప్రత్యేకంగా ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు. తన లక్ష్యం 2024 ఎన్నికలు కావని, 2047 కల్లా అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా భారత్ ని చూడాలని తాను కాంక్షిస్తున్నానన్నారు మోదీ. భరతమాత ముద్దు బిడ్డగా ప్రజలు ఇప్పటికే తనను భావిస్తున్నారు అన్నారు. ప్రాణం పోయినా సరే తాను మాత్రం మాట తప్పేది లేదు అని చెప్పారు. ఇది మోదీ గ్యారంటీ అని చెప్పి భరోసా కల్పించే ప్రయత్నం చేశారు ప్రధాని. ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ తో పారదర్శకత, అలాగే దీన్ని విమర్శించే వాళ్ళు పశ్చాత్తాప పడతారు అని చెప్పి మోదీ అన్నారు. के साथ बात करने के लिए धन्यवाद. नमस्कार. आपको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और कुछ ही दिनों में देश रामनवमी का पर्व मनाएगा. रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी. मेरा पहला सवाल होगा ये कि आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है. तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है और क्या ये चुनाव महज एक फॉर्मेलिटी है? मैं समझता हूँ कि 2047 को और 2024 दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए. दो अलग चीज़ें हैं. जब देश आज़ादी के 75 साल अमृत महोत्सव मना रहा था, उसी समय मैंने ये विषय सबके सामने रखना शुरू किया था, आज से एक दो साल पहले. और मैं ये कहता था कि 2047 देश की आज़ादी के 100 साल होंगे. स्वाभाविक रूप से ऐसे जो माइलस्टोन होते हैं वो एक प्रकार से नया उत्साह भरते हैं, नए संकल्प के लिए व्यक्ति को तैयार करते हैं. और उस अर्थ में मेरा मत था कि एक मौका है. 75 साल पर हम खड़े हैं, 100 साल पहुंचने वाले हैं. इस 25 साल का सर्वाधिक उपयोग कैसे करें? कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम, मैं उनके लिए बहुत खुला मैदान छोड़ता हूं. 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम. कंपैरिजन कीजिए, किसी भी क्षेत्र में कंपैरिजन कीजिए, अगर कुछ कमियां होगी तो भी हमारी एफर्ट्स में कमी नहीं रही होगी. दूसरा, मुझे 10 साल में 2 साल तो कोविड की लड़ाई में जाना पड़ा और आफ्टर इफेक्ट भी बहुत था. फिर भी आज हम कंपैरेटिवली देश को स्पीड कहो, स्केल कहो, सर्वांगीण विकास की बात करें तो वो कहें, सर्वसमावेशक विकास की बात कहें तो वो देखें, हर पैरामीटर पे आपको कांग्रेस के मॉडल से एक ऐसा मॉडल नजर आ रहा है कि हाँ, इस रास्ते पर हम चलेंगे इतनी गति से. और गति और बढ़ानी है मुझे अगले टर्म में, गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है, तो वो तो मेरा लक्ष्य ही है. दूसरा, आप देखेंगे कि जब देश चलाने की देशवासी जिम्मेवारी देते हैं तो आपका सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए, देश, देश के लोग. दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे. जबकि मैं देश मजबूत इसी एक लक्ष्य को लेकर के काम कर रहा हूँ. मेरी सरकार पूरी उस लक्ष्य को लेकर काम करेगी. क्या आपका गेम प्लान है? जब मैं कहता हूँ कि मेरे मन में बहुत बड़े बड़े प्लान है और उसके लिए बहुत बड़े बड़े फैसले हैं, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है. मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है. मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है, जन कल्याण के लिए है. देश के युवाओं के एस्पिरेशंस को मैं देर करना नहीं चाहता हूँ, मैं समय बिगाड़ना नहीं चाहता.